खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सरदारपुर के हनुमंतिया पदमपुरा से दसई वाले रोड का निर्माण कई वर्षों के बाद हो रहा है। यह रोड पूर्व में भी अधिकारियों की और ठेकेदारी की मिलीभगत से घटिया बना था, जिसके चलते आज तक जनता कई दुर्घटनाओं की शिकार हुई है। कारण, पूर्व में बनी सड़क पर भी घटिया निर्माण किया गया था, लेकिन अधिकारी द्वारा कोई सूत नहीं ली गई थी, जिसके चलते अब कई वर्षों बाद फिर आज जब इस सड़क का पूर्ण निर्माण किया जा रहा है तो अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार बालू रेत के बदले धूल वाली डस्ट का उपयोग कर रहा है। जब जनता की सूचना पर मीडिया कर्मियों द्वारा रोड में बनने वाली नाले पुलिया का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि ठेकेदार द्वारा बिना सरियों के ही नाले का बेसमेंट तैयार किया गया है। बेसमेंट में सीमेंट कंक्रीट घटिया किस्म का उपयोग किया गया। तो वहीं जनता का ये भी कहना है कि अगर रोड को इसी तरह धूल से बनाया जाएगा तो आगे इस रोड की क्या उम्र होगी। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि निर्माण कंपनी से अधिकारियों की नजर बचने के लिए अच्छी और घटिया किस्म की निर्माण सामग्री के अलग अलग ठिकाने बना रखे हैं, जो कि अगर जांच हो तो सामने आ सकते हैं। ठेकेदार के ऊपर विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी। जब मीडिया कर्मी के द्वारा घटिया बन रहे नाले के बारे में प्रधानमंत्री सड़क के सरदारपुर SDO श्री कोहली से चर्चा की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा, और डस्ट नहीं सेंड है। अधिकारी से चर्चा करने के बाद कई दिनों में पूरा होने वाला नाला कुछ समय बाद ही ठेकेदार ने बड़ी तीव्रता से पूरा कर दिया, जो ठेकेदार के ऊपर विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी बता रहा है। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।